हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी बातें ऐसी ऐसी अमेजिंग बातों को बताऊंगा जिसे देखने और सुनने के लिए नसीब की जरूरत पड़ती है। क्या दोस्तों, आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने समय का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? क्या दोस्तों, आप किसी एक ऐसे मेंढक के बारे में जानते हैं जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो कि वह कांच का ही बना हो? क्या दोस्तों, आप सभी लोग भूतिया सेब के बारे में जानते हैं? दोस्तों, क्या आप उड़ने वाले छिपकली के बारे में जानते हैं? तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में बने बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा कि जो भी मेरी नई नई वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस अमेजिंग फाइट के एपिसोड को देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आप लाते कहां से? क्या दोस्तों, आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जिसने समय के ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, संयुक्त राज्य अमेरिका के जेरमी हॉपर ने इस कारनामे को कर दिखाया है। इन्होंने 18 जून 2017 के बाद से ही जीरो से गिनती को गिनना शुरू कर दिया था। जो दोस्तों दिन के 16 घंटे ये गिनतियां गिनते थे और जो बाकी का समय बचता था वो आराम करने में अपना समय बिताते थे। और दोस्तों, साथ ही साथ इस पूरे कारनामे को इन्होंने लाइव स्ट्रीम के जरिए पूरे पब्लिक को दिखाया भी था। और दोस्तों, इसी के साथ इन्होंने 14 सितंबर को लगभग 89 डे में इन्होंने 1 मिलियन गिनती को पूरा कर लिया था। यानी कि दोस्तों, इन्होंने 1 मिलियन गिनती को अपने मुंह से गिना था। इन्होंने दोस्तों तब तक इस गिनती को गिनना जारी रखा जब तक ये दोस्तों बेहोश नहीं हो गए। जब दोस्तों इसका औसत निकाला गया तो दोस्तों इसके औसत को देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों इन्होंने समय को पीछे छोड़ दिया था। और दोस्तों, यह प्रतिदिन लगभग 11,000 गिनती को गिनते थे। तो दोस्तों, आपको यह फैक्ट जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आप किसी एक ऐसे मेंढक के बारे में जानते हैं जो कि दोस्तों हमेशा निराश रहता है, जो कि दोस्तों हमेशा उदास रहता है, या फिर दोस्तों ये हमेशा किसी से नाराज ही रहता है? जब दोस्तों आप इस मेंढक को देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों देखिए आप अपने इस स्क्रीन पर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसे अफ्रीका के जंगलों में अफ्रीकन रैन फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमेशा उदास ही रहता है, या फिर यूं कहूं कि इसकी जो शक्ल होती है वो ऐसी ही होती है जो हमेशा उदास ही रहते हैं। दोस्तों, इस मेंढक के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, एक लाइक करके हमको जरूर बताइए। दोस्तों, क्या आप सब ने उड़ने वाले छिपकली के बारे में सुना है या फिर उसको देखा है? तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यह ड्रेको इग्मिट छिपकलियों की एक प्रजाति है जिसे दोस्तों उड़ने वाली छिपकली या उड़ने वाले ड्रैगन या दोस्तों उड़ने वाले ग्लाइडिंग छिपकली के बारे में इसे जाना जाता है। दोस्तों, यह छिपकली इस प्रकार के पंखे को बनाने के लिए यह अपने मांसपेशियों और कनेक्टिंग झिल्लियों को बढ़ाता है जो आपस में जुड़कर एक पंखे का निर्माण कर लेती हैं। और दोस्तों, ये छिपकली ज्यादातर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती हैं। ज्यादातर दोस्तों ये छिपकली बहुत ही छोटी होती है, सिर्फ इसकी एक ही प्रजाति सबसे बड़ी होती है दोस्तों, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। दोस्तों, यह छिपकली तभी जमीन पर आती है जब इसको अंडा देना रहता है। जब दोस्तों यह छिपकली किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाती है तो उसी पेड़ के सहारे वो नीचे की तरफ चली आती है और फिर दोस्तों जमीन के अंदर अपने सर को छुपाकर ये अपने रहने का स्थान बनाती है। यानी कि दोस्तों, जब ये अपना घोंसला बनाती है तो जमीन के अंदर अपने सिर को ये छुपा लेती है। यानी कि दोस्तों, जमीन के अंदर ये अपने सिर को छुपा लेती है। फैक्ट नंबर 5, क्या दोस्तों आप भूतिया सेब के बारे में सुना है या फिर उसको देखा है? तो दोस्तों, आप ये देखिए अपने स्क्रीन पर। दोस्तों, यह वही सेब है जिसे लोग भूतिया सेब मानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह कोई सेब नहीं बल्कि ये बर्फ का बना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सेब कोई वास्तविक सेब नहीं है बल्कि दोस्तों इस सेब का निर्माण बर्फ से हुआ है। दोस्तों, भूतिया सेब तभी बनता है जब सेब को पूरी तरह से बर्फ ढक लेता है। तो दोस्तों, जो सेब के अंदर वाटर मौजूद होता है वो अन्य वाटर की तुलना में उसका जो हिमांक होता है वो बहुत ही कम होता है। जब दोस्तों यह सेब थोड़ा अंदर से गर्म होता है तो दोस्तों यह बर्फ बनने से पहले ड्रिप फ्रॉस्ट हो जाता है और दोस्तों सड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है और फिर अपने पीछे भूतिया सेब का एक रहस्य छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों, आप भूतिया सेब के बारे में जान गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके हमको जरूर बताइए। दोस्तों, क्या आप इस दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के बारे में जानते हैं? तो दोस्तों, देखिए आप अपने इस स्क्रीन पर। दोस्तों, यह पेड़ मोजाम्बिक का सबसे पुराना पेड़ बायोबाब है। दोस्तों, इस पेड़ की सबसे खास बात यह है कि यह अपने खाली स्थान में लगभग
ट्रक के बराबर ये पानी को स्टोर कर सकता है। और दोस्तों जंगली जानवरों को उनकी प्यास बुझाने में ये मदद भी करता है। और दोस्तों यह समय के साथ बूढ़ा होता गया, आज के समय में लगभग ये 1000 साल का हो गया है। दोस्तों क्या आप किसी एक ऐसे जीव के बारे में जानते हैं जिसको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि इसका शरीर आखिर कैसे बना है? तो दोस्तों आप अपने इस स्क्रीन पर देखिए इस मेंढक को, जो इसके शरीर का अंदर का पार्ट है, यानी कि दोस्तों जो इसका फेफड़ा है, जो इसकी आंत है, ये हूबहू नजर आ रही है। ये दोस्तों इसकी जो स्किन है ये बिल्कुल पारदर्शी है। दोस्तों आपको ऐसा लगेगा इसका जो स्किन है क्या ये कांच का बना है? वास्तव में दोस्तों यह मेंढक जंगल की दुनिया का सबसे अजीब जीव माना जाता है, जिसे दोस्तों अफ्रीका के जंगलों में मेंढक की दुनिया का मूल निवासी भी माना जाता है, जिसे देखने के बाद हमको ये लगता है कि वास्तव में यह मेंढक कांच का बना है, कि वास्तव में नेचर ने ही इसको ऐसा बना दिया है। लेकिन दोस्तों प्रकृति ने अपने गोद के अंदर ऐसे ऐसे जीवों की रचना की है जिसके बारे में हम जानेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। वास्तव में ये प्रकृति का बेजोड़ नमूना है। दोस्तों यह फैक्ट्स आपको जानकर कैसा लगा, एक लाइक करके हमको जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन बना है उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे दोस्तों ये होगा कि जो भी मेरी नई नई वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए। तब तक दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय।